ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहराज रजा है। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन जिन्ना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर और एंड हैव गॉट माय प्राइवेट प्रैक्टिस इन उमर हॉस्पिटल एंड कॉस्मेटिक DHA फेज 4। जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो ये एक टॉपिक था जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बोटॉक्स क्या होता है, फिलर क्या होता है और उसका अल्टरनेटिव क्या होता है। सो वो मेरे लिए बड़ा इंट्रीगिंग टॉपिक था बिकॉज इसके बारे में इवन बहुत ज़्यादा सर्च करके भी अंडरस्टैंडिंग उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो हम सबसे पहले बोटॉक्स से शुरू करते हैं कि बोटॉक्स क्या है। बोटॉक्स एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड सुना जाता है अक्सर एस्थेटिशियंस के लोगों से या आपस में भी बात करते हुए कि जी बोटॉक्स, तुमने बोटॉक्स तो नहीं कराया या बोटॉक्स कराने से क्या चेंजेस आती हैं। बोटॉक्स एक्चुअली है क्या? बोटॉक्स एक ऐसा केमिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट केमिकल, जो कि एक बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है जी कि ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता, यानी ये जो हमारे मसल्स होते हैं, सारे मसल्स, हम इसको जहाँ भी इंजेक्ट करेंगे वो उनको पैरालाइज कर देगा, यानी उनको आप ये समझें कि वक्ती तौर पर फालज कर देगा उनका। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, अगर ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो इसको यूज़ क्यों किया जाता है? इसको कंट्रोल तरीके से यूज़ करके ना सिर्फ हम खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये यूज़फुल भी होता है, यानी कि बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी यूज़फुल होता है। कैसे? मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ। पहले हम खूबसूरती की ही बात करते हैं कि बोटॉक्स आमतौर पर हमारे चेहरे में, अगर उम्र के साथ साथ जो सबसे कॉमन कंप्लेंट की जाती है वो है झुर्रियाँ, कि जी झुर्रियाँ आ जाती हैं। झुर्रियाँ क्यों आती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फिलर्स या फैट की बात करेंगे। सो बोटॉक्स क्या होता है कि जब उम्र के मोस्टली हिस्से में जब हम अपने एक्सप्रेशंस देते रहते हैं, स्माइल के, सैडनेस के और भी बहुत सारे, क्राइंग करते हैं, तो हमारे चेहरे के मसल्स बहुत यूज़ होते हैं। उन मसल्स को यूज़ करने की वजह से जो उसके ऊपर वाली स्किन होती है उस पर लाइनें पड़ जाती हैं, जिस तरह हमारे फोरहेड पर लाइन्स पड़ जाती हैं, आइज़ के साइड पर बन जाती हैं जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं, इसी तरह और हमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये सब जो होती हैं रिंकल्स, इन्हें हम कहते हैं डायनामिक रिंकल्स, यानी ऐसी रिंकल्स जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से बनती हैं, और इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से बनने वाली रिंकल्स का जो ट्रीटमेंट है वो बोटॉक्स से किया जाता है कि हम बहुत बहुत परफेक्टली कैलकुलेट करके स्मॉल अमाउंट्स में, स्मॉल यूनिट्स में ये बोटॉक्स मुख्तलिफ हिस्सों में लगा देते हैं। और उससे क्या होता है कि क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं तो ऊपर वाली लाइनें बनना बंद हो जाती हैं और इसका असर 6 महीने तक रहता है और उसके बाद दोबारा मसल्स वापस आ जाते हैं। कहाँ यूज़ होता है खूबसूरती में? आम तौर पे मेरा मानना यह है कि आइज़ से ऊपर बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है। क्या क्या कर सकते हैं हम बोटॉक्स से? ये लाइनें ख़त्म कर सकते हैं, हमारी आईब्राउज़ जो होती हैं अक्सर जो ख़वातीन को हाई आईब्राउज़ चाहिए होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो इस बोटॉक्स के ज़रिए हम इसको आईब्राउज़ को रेज कर सकते हैं, आईज़ ब्राइटर हो जाती हैं, ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं अब जो है आँखों के किनारों के गिर। उसके अलावा लोअर फेस में भी अगर हमें लगे हमारा फेस बहुत चौड़ा है तो हम कुछ मसल्स में ये बोटॉक्स इंजेक्ट करके उसको थोड़ा सा बारीक और शेप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि जी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? आइडियली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए अगर एक्सपर्ट हैंड में करें, लेकिन अगर इन एक्सपर्ट हैंड, ऐसे लोग जो कि इसके ट्रेन नहीं हैं, उसमें ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। आंख के गिर्द अगर लगाएं तो अगर वो एब्जॉर्ब होकर आँख में चला जाए तो बीनाई को असर कर सकता है। कई दफ़ा हमारी एक आँख आईलेट ड्रूप कर जाती है अगर ये बोटॉक्स बहुत नीचे लगाया जाए, और इस तरह और मसाइल ये क्रिएट कर सकता है, बट आम तौर पे ये देखने में नहीं आते बिकॉज एक्सपर्ट तरीके से और इसको प्रॉपरली गेज करके और यूनिट्स के मुताबिक इंजेक्ट किया जाए तो मसला नहीं होता। दूसरे मामले में चलते हैं कि बोटॉक्स जो है बाकी मेडिकल कंडीशंस में कैसे ट्रीट कर सकता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा लोगों को लॉक्ड जॉ हो जाता है, उनका मुँह जो है वो खुल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाता क्योंकि उनके मसल स्पैज्म में चले जाते हैं, उनके
जो है जॉज में और दो मसल्स में अगर हम इंजेक्ट करें तो वो लूजन हो जाता है और आप फिजियोथेरेपी से उनकी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स और मुंह खोलने बंद करने की हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो कई लोगों में ब्लेफरोस्पैज्म हो जाता है कि ये हमारी एक आईलेट बिल्कुल ऊपर जाके रुक जाती है, यानी बहुत खिंच जाती है, मसल ओवर एक्टिवेट हो जाता है। इनफैक्ट पहली दफ़ा बोटॉक्स का यूज़ इसी बीमारी के लिए हुआ था। एक और इशू जिसके लिए बोटॉक्स बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है स्वेटिंग, पसीना। हमारे हाथों पे, पैरों पे और कुछ लोगों को आर्म पिट्स पे और डिफरेंट जगहों पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इतना ज़्यादा आता है कि वहाँ इवन एक्ने बन जाते हैं, उनको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है पब्लिकली, क्लोथ स्टेन हो जाते हैं। ऐसे लोगों में बोटॉक्स की बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट हम इंजेक्ट कर दें तो 6 से 8 महीने के लिए वो पसीने के ग्लैंड पैरालाइज हो जाते हैं, तो स्वेटिंग वाली एम्बैरेसमेंट ख़त्म हो जाती है। और फाइनली एक और मसला जिसके लिए, एक और इशू जिसके लिए मैं बोटॉक्स लगाता हूँ, वो है मिग्रेन, हेडेक, सिवियर हेडेक्स, जो कि हमारे यहाँ मिग्रेन उसको एक ख़ास टाइप की हेडेक है, लेकिन हम हेडेक को अक्सर मिग्रेन कह देते हैं। सो जिन लोगों को क्रॉनिकली और लंबे अरसे तक हेडेक्स रहती हैं उनके लिए भी बोटॉक्स एक ख़ास तरीके से, अगर हम नेक में और साइड्स पे, ये जो ब्लड वेसल्स जो बहुत ज़्यादा ब्रेन में दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं उनके अराउंड हम ये बोटॉक्स इंजेक्ट करें तो उनकी ब्लड सप्लाई बेटर हो जाती है और उसकी वजह से हेडेक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है जी फिलर्स। फिलर्स क्या चीज़ है? फिलर्स एज इंग्लिश का वर्ड जो फिलर है कि कोई भी चीज़ जो किसी खाली जगह को फिल कर दे उसको फिलर कहते हैं। सो फिलर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हम जो पहले भी बताया कि हमारी जब एजिंग होती है तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे टिश्यू कम हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, बेसिकली बोन से लेकर स्किन, मसल, हर चीज़ जो होती है ना वो अपना वॉल्यूम लूज़ कर देती है, अपना हजम लूज़ कर देती है। उस वजह से हमारे मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो टाइट होते हैं और नीचे जब बोन जो है वो कम हो जाती है तो वो लूज़ हो जाते हैं, तो बहुत सारी ताकत उनकी उतनी लेंथ को मेनटेन करने के लिए लग जाती है। ऐसे कंडीशंस में बोटॉक्स का इतना फ़ायदा नहीं होता, उसमें आपको वॉल्यूम फिल करना पड़ता है। सो बेसिकली फिलर जो हमके जो इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं कि जो स्किन हमारी ड्रूप कर रही होती है बोन की डेफिशिएंसी की वजह से, स्किन लूज़ होने की वजह से, हम उसको मल्टीपल स्पेशल एरियाज़ में इंजेक्ट करके लिफ्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ हॉलो शुरू हो जाता है ख़वातीन में, वो हम इंजेक्ट करके प्लेन कर देते हैं। उसी से आईब्राउ रेज की जा सकती है, कई दफ़ा बड़ी संकन आइज़ होती हैं, बड़ी डेड आइज़ होती हैं, उनको वॉल्यूम कर सकते हैं। ये डार्क सर्कल्स और ये जो हमारे जो नीचे जिसे हम कहते हैं टीयर ट्रफ कहते हैं वो बन जाते हैं, उसको हम वॉल्यूम से फिल कर सकते हैं, फिलर से फिल कर सकते हैं। हमारे टेम्पल्स कभी कभार वीक हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। इसी तरह एक नॉर्मल खूबसूरत फेस हार्ट शेप होता है, सो हम उस वॉल्यूम को रीबैलेंस करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जब हम इसको बोन के ऊपर इंजेक्ट करते हैं तो जो मसल्स लूज हो जाते हैं वो दोबारा टाइट हो जाते हैं वॉल्यूम की वजह से, और वो एक यूथफुल यानी एक यंगर फील देना शुरू कर देते हैं। आइज़ ब्राइटर हो जाती हैं, जो नीचे चली जाती हैं आइज़ दोबारा, उनका स्लांट बेटर हो जाता है। फिर नोज़ की थोड़ी बहुत चेंजेस जो शेप की हैं, कई दफ़ा हल्का सा एक बम्प होता है या डेंट होता है या सब चीज़ें, या इवन थोड़ी टिप को हम नैरो कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फिलर से की जा सकती हैं। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। इसी तरह जॉ लाइन जो कि खूबसूरती की निशानी समझी जाती है, इवन कॉलर बोन तक जो भी चीज़ हमें शार्प डिफाइंड होती है हम वहाँ वॉल्यूम डालकर यानी फिलर डालकर हम उसको शेप दे सकते हैं। लोग पूछते हैं जी फिलर होती क्या चीज़ है, क्या ये कोई केमिकल होता है? ये बेसिकली बहुत बेसिकली मुख्तलिफ टाइप के फिलर्स होते हैं और सबका पर्पज़ ये होता है कि कुछ अरसे में ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, और कुछ ज़रा लंबा अरसा चलते हैं। इसी तरह कुछ फिलर्स कंपाउंडेड होते हैं, उसमें ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जिससे स्किन की क्वालिटी भी बेटर होती है फिलिंग के अलावा, सो वो स्किन की क्वालिटी को बेटर करते जाते हैं। बेसिकली अगर हम अपनी बॉडी को एक दीवार की तरह देखें तो ईंटों के बीच में जो सीमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड, और ये उसी मटीरियल से ये फिलर बनते हैं, यानी ये टोटली नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, बॉडी इनको रिएक्ट नहीं करती। आमतौर पे प्रॉपर तरीके से किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होती। कई दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फिल कर दिया जाता है, ये ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है और पर्सन टू पर्सन की डिमांड पे भी है। अगर किसी पेशेंट को भरे हुए चीक्स पसंद हैं तो वो ज़्यादा फिलर डाल दिया जाएगा, किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ चिजल्ड फेस चाहिए, एक शार्प लुक चाहिए, जिस तरह इवन मेकअप से भी आती है, यू वांट इट सेमी परमानेंटली, तो वो भी फिलर से अचीव किया जा सकता है।
सबसे कम जो दौरानिया है फिलर्स का वो आमतौर पर 4 से 6 महीने रहता है, और अगर हम उससे ज़्यादा लंबे अरसे चलने वाले फिलर्स लगाएं तो वो आमतौर पर 3 ईयर्स तक चल सकते हैं और वो क्वालिटी ऑफ स्किन को भी बेटर कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है बोटॉक्स और फिलर में। बोटॉक्स सिर्फ पैरालाइज करता है और रिंकल्स ख़त्म करता है, और जो फिलर्स हैं वो स्किन को, मसल्स को टाइट करते हैं और आपके फेस को शेप देने की देने में मदद देते हैं। फाइनली आ जाता है फैट, जो कि एक और बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है। वैसे तो हम इस पर सारा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन फैट, जिस तरह मैंने बताया कि फिलर से मुराद है कोई चीज़ फिल करने की जगह, तो आप ये जो हमारे मार्केट में ओवर द काउंटर फिलर्स अवेलेबल हैं हाइलुरोनिक एसिड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी अपनी चर्बी फैट लेकर भी हम इसको फिलर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और फैट को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है दुनिया में नाउ, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये कि हम इसको फिलर के तौर पर खूबसूरती के लिए, बॉडी को, फेस को और बॉडी को शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ पे हम फिलर, दूसरा हाइलुरोनिक एसिड नहीं डाल सकते, वहाँ फैट डाल सकते हैं। ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम फैट डाल सकते हैं, बटक्स अगर आप ऑगमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कहीं कोई डिम्पलिंग है उसको फिल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है, क्योंकि ये आपकी अपनी फैट होती है तो इसके रिजेक्शन या एब्जॉर्ब होने के चांसेस कम होते हैं, और साथ में इसमें इतने स्टेम सेल्स होते हैं, यानी एक ताकतवर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हीलिंग कराते हैं। अल्लाह मियाँ ने जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी खाते में नहीं आते, नहीं या ना वो बोन होते हैं, ना वो लिवर होते हैं, ना वो स्किन होते हैं, वो एक न्यूट्रल सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि किसी भी टिश्यू को इंजरी हो जाए, यानी स्किन को, बोन को, बालों को, किसी भी चीज़ को इंजरी हो जाए, तो ये वहाँ जाके उस किस्म का टिश्यू बन जाते हैं। सो इनका ये फ़ायदा है कि ये हीलिंग कराते हैं, चाहे स्कारिंग हो, जले हुए मरीज हो, चाहे चेहरे पे एक्नी स्कारिंग हो, चाहे गिरते हुए बाल हो, जहाँ भी हमें न्यूट्रिशन और ग्रोथ चाहिए वहाँ ये फैट बहुत कारामद साबित होती है। और मैं चूँकि साथ में हैंड सर्जन भी हूँ, तो मैं हाथ की जो इन्फ्लेमेशन होती हैं कई दफ़ा कार्पल टनल्स या जो टेंडन सूज जाते हैं उसमें इंजेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं PRP के साथ। और इवन घुटनों में इंजेक्ट करने से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसकी फर्दर बहुत सी टाइप हैं जिसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये मेन डिवीजन है फिलर्स की और चेहरे की रिजुविनेशन के लिए, बोटॉक्स, फिलर्स और फैट। इन द एंड मैं ओलेडॉक का थैंक्स करना चाहूँगा, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस और पॉपुलेशन के लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इस वीडियो का पर्पस भी मार्केटिंग से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना था कि आप जब भी किसी एक्सपर्ट के पास जाएं तो आपके पास कुछ बेसलाइन नॉलेज हो ताकि आप उसे डिस्कस कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आइकॉन को प्रेस करके यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं, तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।